हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में दिसंबर 25th के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। टेक अ पेन एंड पेपर ताकि जो 10 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, जिसमें हमने द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को और पीआईबी को कवर किया है, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करिएगा आने वाले 10 एमसीक्यूज के अंदर। और एनीवेज वी आर कवरिंग द मेजर न्यूज़पेपर एज वेल एज द पीआईबी, सो दैट प्रीलिम्स के अंदर ऐसा कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है जो आपका मिस हो जाए। This is the brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577, UPSC 2014 batch. यहाँ पर देखते हैं, this is a marking scheme. 8 to 10 MCQs अगर आपके correct होते हैं, then that's an excellent performance. 6 to 7 MCQs अगर आपके correct हैं, then it's a good performance. नीचे के दो brackets, 4 to 5 MCQs is a danger zone, क्योंकि यहाँ पर आपको इस percentage में prelims आपका crack होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता होता है, और लेस देन 4 MCQs आपके करेक्ट हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक साल और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो नीचे के जो दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर प्रिलिम्स होने के चांसेस कम होते हैं, और ऊपर के जो दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे ऑफकोर्स आपका प्रिलिम्स हो जाता है और आपको मेंस में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। देयरफॉर ट्राई करिए कि ऊपर के दो MCQs के जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें आपके मार्क्स हैं। नेवर्थलेस अगर आप नीचे भी स्कोर करते हैं, दैट्स ऑल राइट, ग्रेजुअली इसे इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा और अपर ब्रैकेट्स में जाने की कोशिश करिएगा। चलते हैं, फर्स्ट MCQ करते हैं आज का। That is, which of the following statement or statements is or are correct about Swadesh Darshan Scheme? The Hindu में ये था। तो Swadesh Darshan Scheme के ऊपर तीन statement हमारी दी है। पहली statement कहती है, it is launched by Ministry of Tourism in 2015. So the scheme is, जो scheme है ये Ministry of Tourism ने launch करी है, हो सकता है। The objective is to develop theme-based tourist circuits in the country. So इसके अंदर क्या होगा, इस scheme के अंदर कुछ theme-based circuits जो होते हैं, tourist circuits, उसको launch किया जाएगा, हो सकता है। द स्कीम इज फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट बोथ, तो सेंटर और स्टेट दोनों ही इस स्कीम को फंड कर रही हैं। अब आपको यहां पे इस 10 से 15 सेकंड्स दिए जाएंगे, आप सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, और फिर हम आंसर को भी डिस्कस करेंगे, स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Few more seconds. चलिए, तो यहाँ पे स्वदेश दर्शन स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है, दैट द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो स्वदेश दर्शन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2015 में लॉन्च करी थी। अब जब भी यूपीएससी होता है, वो ऐसा नहीं है कि 2020 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2019 या 20 के ही करंट अफेयर्स पूछेगा। कुछ चीजें जो 2, 3, 4, 5 साल पहले भी लॉन्च करी होती है, उसको भी यहाँ पर पूछ लेते हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसी ही चीजों को पूछा जाता है जो 2-4 साल पहले ही आई होती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 15 टूरिस्ट सर्किट्स हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट्स होंगे, वाइल्ड लाइफ सर्किट्स होंगे, हिमालयन सर्किट्स, और इसी तरीके के 12 और सर्किट्स हैं, जैसे कि रामायण सर्किट हो गया, रूरल सर्किट हो गया, स्पिरिचुअल सर्किट हो गया, हेरिटेज सर्किट हो गया, सूफी सर्किट हो गया। तो ये इस तरीके से 15 सर्किट्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो पहली दो स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। थर्ड पे आते हैं, द स्कीम इज फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट बोथ, तो यहाँ पे सेंटर ही 100% फंडिंग कर रहा है, यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, विच इज बी। यहाँ पे स्वदेश दर्शन स्कीम आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अतुल्य भारत है इसका, इनक्रेडिबल इंडिया के अंडर में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्च्ड रन थ्रू फाइल्स मैकेनिज्म। तो रन थ्रू फाइल मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, क्या ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, हरियाणा ने, केरला ने, या फिर पंजाब ने। टेक 10 to 15 seconds, सोचिए किस पर्टिकुलर स्टेट ने ये रन थ्रू मैकेनिज्म को लॉन्च किया है, फिर ये मैकेनिज्म क्या है इसको डिस्कस करेंगे, और किस स्टेट ने ये, जो कौन सा स्टेट ये लेके आया, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो रन थ्रू फाइल है, इट कम्स अंडर CFMS। CFMS का मतलब है सेंट्रलाइज्ड फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो फाइल की मूवमेंट्स होती है ना, उसको ट्रैक किया जाएगा। आपने ई ऑफिस के बारे में सुना होगा, तो कुछ कुछ उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पर्सनली जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी भी फाइल को मार्क करेंगे और उस फाइल को फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ऑनलाइन मैकेनिज्म है, जहां पे, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके फाइल रुक जाती है, फाइल पे काम नहीं होता है, और एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाने में भी काफी दिन लग सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो प्रायोरिटी
फाइल्स होंगी, वहां पे सीएम उसको मार्क करेंगे और लोगों को ये पता चल जाएगा, जो नीचे ऑफिशियल्स बैठे उनको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फाइल को हमें प्रायोरिटी पे रखना है। तो दिस इज नथिंग बट सीएफएम है, सेंट्रलाइज फाइल मूवमेंट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू। द हिंदू के अंदर न्यूज थी यूपीयू के बारे में, तो तीन स्टेटमेंट यहां पे दिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ बर्न ऑफ 1874। तो जो यूपीयू है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये ट्रीटी ऑफ बर्न के अंडर में बनाया गया है। देन इट इज अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन की ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, कौन सी, यूपीयू। देन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, तीनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, कुछ एक या दो भी हो सकती है, आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, टेक 10 to 15 seconds, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अभी ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली हमारी यूनियन कैबिनेट ने जो 10th एडिशनल प्रोटोकॉल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपीयू को अप्रूव किया, मतलब यूपीयू को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है हमारी कैबिनेट के द्वारा, इसी वजह से ये न्यूज में था। आप देखते हैं इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड जो है, क्या ये ट्रीटी ऑफ बर्न के अंडर बनाया गया 1874 में? यस, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ बर्न और इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी इसकी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा सी, न्यूज में क्यों थे, क्योंकि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट एबीवाई। तो अटल भूजल योजना के ऊपर तीन स्टेटमेंट दिए हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ 6,000 crore सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो क्या ये 6,000 crore का प्रोजेक्ट है? किसका? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हो सकता है। द फंडिंग पैटर्न इज 50-50 बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो सेंटर और स्टेट है वो 50-50 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, हो सकता है। द प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई अंडर द स्कीम फॉल इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात। तो यहां पे जो प्रायोरिटी एरियाज हैं इस स्कीम के अंदर, कुछ प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया और वो गुजरात के अंदर फॉल करते हैं। टेक 10 to 15 seconds, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, December 25th, 2019, तो अभी रिसेंटली December 25th, 2019 सेकेंड स्टिंट ऑफ एबीआई इज लॉन्च। इसमें हुआ क्या है, हमने प्राइम मिनिस्टर ने December 25th, 2019 को सेकेंड स्टिंट लॉन्च किया है इसका, ताकि कंजर्व किया जा सके, कंजर्व ग्राउंड वाटर इन रीजन विथ लो वॉटर टेबल्स। तो प्राइम मिनिस्टर ने सेकंड स्टेंट ऑफ एबीवाई को लॉन्च किया, अटल भूजल योजना को लॉन्च किया, ताकि जो ऐसे एरियाज जहां पे ग्राउंड वाटर की टेबल बहुत नीचे है, जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत कम अवेलेबल है, वहां पर ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जा सके। इसी वजह से ये न्यूज में था और हमने इस पर क्वेश्चन बनाया। तो द प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई अंडर द स्कीम फॉल इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात एक उनमें से स्टेट है जहां पर इसको प्रायोरिटी एरिया माना गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे एरिया में कंजर्वेशन की बात करी है जहां पर वाटर टेबल कम है, और गुजरात उनमें से एक स्टेट है। गुजरात के अलावा हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, ये भी ऐसे एरिया थे जहां पे वाटर टेबल काफी नीचे है, और ये स्कीम वहां पर भी इंप्लीमेंट करी जाएगी, और ये भी सारे प्रायोरिटी एरियाज में आते हैं। तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। क्या ये 6,000 crore का प्रोजेक्ट है? यस, इट इज अ 6,000 crore प्रोजेक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। बट द फंडिंग पैटर्न इज नॉट सेंटर एंड स्टेट, नॉट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रादर इट इज बिटवीन सेंटर एंड वर्ल्ड बैंक। तो सेंटर गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक इसमें 50:50, मतलब 1:1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है और हमारा जो आंसर हो जाता है वो यहां पर ए हो जाता है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आ रही है, और यहां पर
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ सीडीएस। तो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाए जाएंगे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। नाउ तीन स्टेटमेंट इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है ही विल बी द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे किसके? गवर्नमेंट के। कौन? सीडीएस। सेकंड, सीडीएस इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय कारगिल रिव्यू कमेटी 1999-2000। तो जो कारगिल जब वॉर हुई थी उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी कि क्या क्या डेफिशिएंसीज रही हमारे और क्या क्या हमारे प्लस पॉइंट्स रहे। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा था देखिए कि एक सीडीएस करके ऑफिस होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट को जो है एडवाइस कर सके। हो सकता है देन ही विल बी अ फाइव स्टार जनरल। तो ये फाइव स्टार जनरल होंगे जो सीडीएस होंगे। टेक 15 सेकंड्स, फिर हम इसके सही आंसर को डिस्कस करते हैं। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जब हम पहली बात करते हैं ही विल बी द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर। देखिए तीन सर्विसेज है हमारे यहां पे, इंडियन आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है और नेवी है। तीनों सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बना रहे हैं, राइट। तो पहली जो स्टेटमेंट हमारी हो जाती है सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर, जब इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी तीनों सर्विसेज की तो ये ऑफकोर्स एडवाइस कर पाएंगे गवर्नमेंट को। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सीडीएस इज ऑल्सो रेकमेंडेड बाय कारगिल रिव्यू कमेटी। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा था क्योंकि उस वक्त ऐसी नीड फेल्ट करी गई थी कि अगर सीडीएस होते तो हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन होती, टाइमली इन्फॉर्मेशन होती और सही एक्शन लिए जाते, सही डिसीजन लिए जाते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। थर्ड, ही विल बी अ फाइव स्टार जनरल। तो ही विल नॉट बी अ फाइव स्टार, रादर फोर स्टार जनरल हो जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ और पढ़ लेते हैं। तो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लैंड एयर सी। ऑफकोर्स तीनों सर्विसेज को जब वो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स या लैंड एयर सी तीनों ही इंटीग्रेट हो जाएंगे। एंड ही विल बी द पर्सन, ही विल द सीनियर मोस्ट अमंग द थ्री सर्विसेज। तो मान लो कि अगर आर्मी में सीनियर मोस्ट हेड है तो उनको ही सीडीएस बनाया जाएगा। मतलब तीनों सर्विसेज में से जो सीनियर मोस्ट होंगे उनको सीडीएस बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। आप अगर बात करी जाए कि क्या अभी हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है, देखिए अभी भी एक यहां पे चेयरमैन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता है उनको, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है। बट दिस ऑफिस इज क्वाइट फीबल, टूथलेस ऑफिस कहा जाता है इसको, और तभी जो है सीडीएस को बनाने की एक जो डिमांड है वो रेज करी गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बार हेडेड गूस। बार हेडेड गूस न्यूज में थे, तीन स्टेटमेंट यहां पर दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या सबसे ऊंचे उड़ने वाले बर्ड्स में से एक है? हो सकता है। इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसके हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हो सकते हैं। द स्पीसीज हैज बीन रिपोर्टेड एज माइग्रेटिंग साउथ फ्रॉम टिबेट बिफोर क्रॉसिंग द हिमालय। तो जो स्पीसीज है इनकी जो डायरेक्शन है वो बताई गई है कि दैट दे माइग्रेट साउथ फ्रॉम द टिबेट, टिबेट के साउथ में जाते हैं हिमालय को क्रॉस करने से पहले। तो ये भी करेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में। टेक 15 सेकंड्स, फिर इस स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके करेक्ट आंसर को भी देखेंगे। Few more seconds. चलिए, बार हेडेड गूस के बारे में क्वेश्चन इसलिए बनाया गया बिकॉज एक आर्टिकल था द हिंदू में इसके ऊपर। इसको एंसर इंडिकस भी कहा जाता है और इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड। 25,000 फीट की जो ऊंचाई होती है उस पर उड़ते हैं जहां पे ऑक्सीजन और टेम्परेचर जो होता है वो काफी कम होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, इट इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न। तो ये लीस्ट कंसर्न है एज पर आईयूसीएन लिस्ट। सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड, द स्पीसीज हैज बीन रिपोर्टेड कि ये टिबेट के साउथ में माइग्रेट करते हैं बिफोर दे क्रॉस द हिमालय, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रखा है। एक बार इसकी पिक्चर देख लीजिए किस तरीके से दिखते हैं। सो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज कम अप विद स्कूल कैटेगराइजेशन एज हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम। तो अभी एक पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे स्कूल को कैटेगराइज किया गया क्योंकि यहां पे जो टीचर्स हैं वो जाना नहीं चाहते थे,
टोपोग्राफी की वजह से कह सकते हैं या फिर वेदर की वजह से कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, हार्ड सॉफ्ट एंड मीडियम करके तीन कैटेगरीज बना दी हैं। और इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर्स होंगे जब जो टीचर्स यंग होते हैं तो उनको हार्ड एरिया में सर्व करना पड़ेगा, देन दे विल कम टू द मीडियम एरिया, एंड फाइनली जो लेटर स्टेजेस होते हैं लाइफ दे कैन सर्व इन द सॉफ्ट एरियाज। तो कौन सा स्टेट है वो, असम है, अरुणाचल, नागालैंड या फिर सिक्किम। टेक 10 to 15 seconds, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि टीचर्स जो होंगे, क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो टोपोग्राफिकली मतलब ज्योग्राफिकली अगर बात करी जाए तो प्रॉब्लम है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे ज्यादा नहीं है, तो रिलेक्टेंस रहता है टीचर्स का वहां पर जाने के लिए, टीचर्स वहां पे ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं। तो टीचर्स की पोस्टिंग पॉलिसी के लिए ही हार्ड सॉफ्ट और मीडियम जो है तीन कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई है, स्कूल को कैटेगराइज किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कोर कैचर। तो कोर कैचर न्यूज में था, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि क्या है। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दी गई है, इट इज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन यूनिट 3 ऑफ तमिलनाडु कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, KKNPP। तो जो कुदनकुलम पावर प्लांट है वहां पर यूनिट 3 में इसको रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है। द डिवाइस इज डिजाइन टू लोकलाइज एंड कूल द मोल्टन कोर मटेरियल इन केस ऑफ मेल्ट डाउन एक्सीडेंट। तो ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये किस लिए डिजाइन किया गया, देखिए इसको डिजाइन करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि जो उसकी मोल्टन कोर होता है, जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे जो मोल्टन कोर मटेरियल होता है उसको कूल डाउन करने के लिए ये पर्टिकुलर डिवाइस है वो बनाया गया। इन 2011 द डिवाइस वॉज फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन तियानवन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन चाइना विच इज ऑफ रशियन डिजाइन। तो सबसे पहले इसका यूज कहां किया गया था, 2011 में चाइना के न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कि रशियन डिजाइन पर ही बेस्ड है वहां पर किया गया था। टेक 10 to 15 seconds, आपको पता है कि रिसेंटली जो इश्यू हुआ था कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसकी वजह से ये जो डिवाइसेस हैं ये लगाए गए हैं, और ये आपका हिंट है एक तरीके से आंसर करने का। 10 to 15 seconds लीजिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो 2011 थर्ड स्टेटमेंट से देखते हैं, 2011 के अंदर जो चाइना का न्यूक्लियर पावर प्लांट था तियानवन के अंदर वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे भी इस डिवाइस को इंस्टॉल किया गया, दिस इज करेक्ट। और यहां पर इवन 2018 में बांग्लादेश के अंदर भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया जो इंडिया और रशियन के कोलेबोरेशन से लगाया गया वहां पर भी 200 टन कोर कैचर को लगाया गया था। अभी कुदनकुलम में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 के अंदर भी इसे इंस्टॉल किया गया, तो पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। और इसका जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू कूल द मोल्टन कोर मटेरियल इन केस ऑफ अ मेल्ट डाउन एक्सीडेंट। तो मेल्ट डाउन एक्सीडेंट होता है तो वो मोल्टन कोर को कूल डाउन करेगा। तो यहां पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑल ऑफ द वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इंडिया फार्माकोपिया। तो यहाँ पे किस कंट्री ने, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि पहली कंट्री बनी है जिसने इंडिया के फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया। क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो नेपाल है, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। टेक 10 to 15 seconds, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया है क्या, देखिए इट इज एन ऑफिशियल बुक, ये एक इंडिया की ऑफिशियल बुक है, ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स। किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। तो ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में ये इंडिया की ऑफिशियल बुक है जो कि किस किस मैटर से डील करती है, ड्रग्स के इंपोर्ट के लिए, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यहाँ पे ड्रग्स के इंपोर्ट के लिए, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग्स की सेल के लिए, स्टॉक के लिए, एग्जीबिशन के लिए। तो इट इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग्स इन इंडिया। तो ड्रग्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज बुक है जो कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टॉक, एग्जीबिशन सभी एरिया से डील करती है। और अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री, पहली कंट्री बनी है जिसने इंडिया फार्माकोपिया को रिकग्नाइज किया, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट कंट्री, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया उदय इज रिलेटेड टू, तो उदय ये एक योजना है आपको पता है, तो ये किस एरिया से डील करती है, क्या डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, टेलीकॉम से, ट्रांसपोर्ट से या फिर रेलवे से डील करती है। इजी क्वेश्चन है, टेक 10 to 15 seconds, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, उदय जो है ऑफ कोर्स आपको पता होगा दिस इज रिलेटेड टू डिस्कॉम। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस जो है काफी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 2015 से हमने टारगेट बनाना शुरू किया था कि ईयर ऑन ईयर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस हैं वो कम करते जाएंगे और कुछ हद तक हमें इसमें सक्सेस भी मिली। 2018 तक हमने काफी सारे लॉसेस को अपना कम किया। 2015 में अगर बात करी जाए हमारे पास 51562 अराउंड 50,000 करोड़ के लॉसेस थे जिसको हमने 15,132 पे ला दिया 2018 में। बट प्रॉब्लम अभी क्यों हुई है 2019 में, क्यों बात करी जा रही है इसके बारे में, बिकॉज यहां पे जो लॉसेस हम कम करते जा रहे थे वो काफी इस साल 2019 में कंपेयर टू 2018 कम होने चाहिए थे, बट यहां पे हमने ऑलमोस्ट अपने लॉसेस को डबल कर लिया। सो दिस इज 28,000 करोड़ के लॉसेस हो गए हैं, मतलब डबल हो गए ऑलमोस्ट 2019 के अंदर। यहां पे अगर हम बात करें एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, एटीएनसी कहते हैं इनको, ये जो है ये 15% तक हो गए हैं। तो यहां पर पूछने का रीजन यही था, अगर 2018 से के कंपैरिजन में 2019 में भी लॉसेस कम होते तो ये न्यूज नहीं बनती। लेकिन ये न्यूज इसलिए बनी है क्योंकि जो हमारी एक स्ट्रीक सही जा रही थी, हम लॉसेस अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कम करते जा रहे थे, वो धीरे धीरे कम होते होते एकदम से डबल हो गए 2019 में, एंड देयरफॉर इट बिकेम द न्यूज। इसलिए ये जो था न्यूज में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए उदय के बारे में कि उदय जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लॉसेस के बारे में जो स्कीम है वो हमने बनाई है। उदय की जो फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ये भी ध्यान रखिएगा, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। दिस वॉज द इन्फोग्राफिक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट्स की रिवीजन बिफोर वी डिस्कस द मार्क्स। सो स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में हमने पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो है ये स्कीम है और 100% जो है दैट इज फंडेड बाय द सेंटर। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का अतुल्य भारत हमने देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रन थ्रू फाइल मैकेनिज्म जिसमें सीएम मार्क करते हैं यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। देन वी डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो कि ट्रीटी ऑफ बर्न के अंदर बनाया और अभी हमने कॉन्स्टिट्यूट किया इंडिया में। देन वी डिस्कस अबाउट अटल भूजल योजना जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल जो है वो 50:50 का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पढ़ा कि 4-स्टार ऑफिसर होते हैं और ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को और तीनों ही सर्विसेज को इंटीग्रेट करेंगे। करगिल वॉर के बाद इसके बारे में बात होना शुरू हुई थी। देन वी डिस्कस अबाउट द बार हेडेड गुस, तो इसमें आईयूसीएन के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है और वन ऑफ द हाइस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अरुणाचल प्रदेश के स्कूल कैटेगराइजेशन सिस्टम के बारे में। देन वी डिस्कस अबाउट द कोर कैचर्स जो कि कुदनकुलम में इंस्टॉल किया गया और इससे पहले बांग्लादेश और चाइना में भी इंस्टॉल किए गए। देन द फर्स्ट कंट्री जिसने आईपी को रिकग्नाइज किया दैट इज अफगानिस्तान। देन उदय के बारे में जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लॉसेस के बारे में है। तो यहाँ पे मार्क्स देख लीजिए एक बार आप कि 9 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट है ऑफकोर्स एक्सलेंट परफॉर्मेंस, 7 to 8 एमसीक्यूज अगेन इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। नीचे के दो ब्रैकेट में ऑफकोर्स आपको वर्क थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड विथ फोकस एंड यू टू पुट मोर हार्डवर्क टू कम इन द अपर ब्रैकेट्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर रेगुलर अपडेट्स। यू कैन लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।